तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के स्टॉक के बारे में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था। फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। गिरावट के बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही थी लेकिन फिर हमको स्टॉक में अगेन यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिल रही है। हालांकि आज हमको स्टॉक में स्टॉक के इस सपोर्ट लेवल पर से 0.98% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम स्टॉक में बात करें अगर यहाँ से स्टॉक में अभी और तेज़ी आती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 93.20 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है दैन यहाँ से हमको स्टॉक में 95.60 और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया दैन यहाँ से हमको स्टॉक में 98.20 उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 101 और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 110 तक के लेवल्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 91 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 90 और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 88 और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 86 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।